थक गया, फोन में लग गया था ना अभी, तूने कैमरा देखते ही फोन छोड़ा है। मम्मी को बात पूछा। अच्छा सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप देख सकते हैं धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई है, आंखें नहीं खुल रही है मेरी, तो इतनी तेज़ धूप है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है छत में आके। तो वहाँ से थोड़ा जल्दी उठ गया था, तो नहा वहा के सारा खाना वाना खा के मैं छत में आ गया हूँ, थोड़ा धूप सेक रहा हूँ। तो सभी छत में बैठे हुए, तो गाइस मैं धूप से के आ चुका हूँ छत से, तो काफ़ी अच्छी धूप थी छत में। तो अभी जैसे जैसे मैं नीचे आया हूँ तो काफ़ी ठंड लगने लग गई दोबारा। तो जैसे मैं नीचे आया था तो मामा मामी उनके बच्चे आए हुए हैं, तो मामा तो चले गए ऑफिस उनको यहाँ पर छोड़ के, तो वो आएंगे शाम को, उन्हें लेके जाएंगे वापस। तो जब तक अभी यहाँ पर है तो इन्जॉय करेंगे उनके साथ। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये गेम खेल रहे हैं, ये तो मेरा भतीजा है और ये है मामा का लड़का, इसका नाम है सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला। तो ये मेरी मामी है, तो ये मामी अपना मुँह छुपा रही है, मामी को थोड़ी शर्म आ रही है। हाय मामी। हाय। ये मामी की, ये है मामी की बेटी। हेलो आकृति, हाय बोलो। और ये मेरी सिस्टर है, छुप रही है, इसको ज्यादा शर्म आ रही है अपने नीचे। अरे आपको एक ये देखो, ये इसको तो और ज्यादा शर्म आ रही है। ये कल गांव से आई है, तो कल गांव से आई है, काफी सारा सामान लेके आई है गांव से, अभी काफी सारा सामान है। तो अभी गाइस हम दुकान जा रहे हैं सामान लेने थोड़ा, तो मेरे साथ ये मेरा भतीजा, मेरा मामा का लड़का भी है। तो अभी आप देख लीजिए क्या लेके आना है। दही और हरी मिर्च। दही और हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च लानी है। हरी मिर्च कितने लेके आनी है? काम भाग रहा है इधर, तो आप ये देखिए अभी हम जा रहे हैं दुकान, जा रहे हैं शॉप। तो मम्मी ने दही लाने के लिए बोला, तो अभी हम चलते हैं, दही लेके आते हैं और हरी मिर्च भी लेके आनी है। तो आप देख सकते हैं धूप काफी अच्छी लगी हुई है, और धूप के साथ साथ तो बारिश, बारिश कह रहा हूँ, सॉरी बारिश नहीं, धूप के साथ साथ ठंडी हवा भी काफी चल रही है। तो आपको कितना मजा आ रहा है? कितना मजा, बहुत मजा आ रहा है। तो कितनी दही और कितनी मिर्च लेके आनी है? बताती है, पता नहीं कितनी लानी है। 10 रुपए ये मम्मी ने, ये तो नहीं रुपए। तो बोल अंकल को 10 रुपए की हरी मिर्च दे दो। 10 की हरी मिर्च। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये दोनों सब्जी लेने आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। ले ली 10 की हरी मिर्च। और क्या बोला मम्मी ने? दही, दही यहाँ से ले ले। आराम से चल, आराम से चल, गाड़ी आ रही है आगे, भाई आज रुक जा। हाँ चल आ जा, गाड़ी गाड़ी रुक जा, रुक जा, आगे चल, ये पता लगा हुई पिछका दी दीवार पर। दही मत गिरा दियो, दही मत गिरा दियो। तो हम भाग के काफी थक गए हैं, तो भी भागते भागते आए स्टेडियो में। तो कहाँ जा रहा वॉशरूम? अच्छा आशीष, आशीष तो सीधा फोन में लग गया है, फोन में लग गया है, देखो थक गया ये। अच्छा थक गया, फोन में लग गया था ना अभी, तूने कैमरा देखते ही फोन छोड़ा है। मम्मी को बात पूछा। अच्छा सो लेट था, फाइनली नाश्ता हमारा हो चुका है। मम्मी ने मस्त मैक्रोनी और मेथी के पराठे बनाए थे, तो काफी टेस्टी थे, तो मैंने तो बहुत सारे खाए। तो हम चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा तो मैंने स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, तो वो काफी अच्छी थी। तो आज के ब्लॉग में हम देखेंगे साउथ इंडियन पिक्चर जो आई है मूवी नई, अल्लू अर्जुन की पुष्पा। तो आज हम वो देखने जाएंगे, फिर मैं उसका रिव्यू बताऊंगा कैसा है। तो मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में, तो मैं रेडी हो लेता हूँ थोड़ा, बाय। गाइस मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ, तो अभी चलते हैं सीपी। तो सारे ऑफिस के दोस्त वहीं आने वाले हैं, तो मिलते हैं उनसे वहाँ पे, आधे घंटे बाद मैं भी वहीं पहुँच जाऊँगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं सारी मूवी एक साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी थी मूवी। तो बाय गाइस। Thank you.
से भी पहुंच चुका हूं, तो मेरा फ्रेंड भी यहीं पर है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रेंड है। तो अभी और भी दो फ्रेंड आने वाले हैं, तो उसके बाद मूवी देखने जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे मूवी के रिव्यू के बाद। तो अभी तीन मेरे फ्रेंड और आ रहे हैं, तो मैंने उनको सीपी की लोकेशन दी है सेंट्रल पार्क की। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं ये झंडा, तो ये हमारी मेन लोकेशन है, फ्लैग के नीचे मिलना हमें। तो सुबह के अभी 10:30 हो रहे हैं, तो काफ़ी क्लियर मौसम है, पॉल्यूशन भी इतना है नहीं, तो पार्क भी अभी खाली है क्योंकि सुबह हो रही है, तो सुबह तो अभी इतने लोग आते नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में दोस्त मेरे। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. तो फ्रेंड जस्ट अभी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, तो सारे अभी यहीं पर ही हैं। तो अभी हम चल रहे हैं थिएटर की तरफ, तो अभी आप देख सकते हैं ये सारे हमारे ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। तो अभी हम थिएटर की तरफ चलते हैं, अभी एक फ्रेंड है उसको आ नहीं रहा है, तो अभी हम देखते हैं थिएटर जाके, एक टिकट तो हमें बेचनी पड़ेगी किसी ना किसी को, तो मिलते हैं उसके बाद आपसे। अभी हम थिएटर पहुँच चुके हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कार्निवल सिनेमा है, तो यहीं पर हम मूवी देखने वाले हैं। तो अभी तो मूवी स्टार्ट होने में टाइम है, तो अभी हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो ये एंटर हो चुके हैं थिएटर के अंदर, तो अभी थोड़ी देर में हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी हम कुछ खाने का ले लेते हैं, फिर उसका चलते हैं मूवी देखते हैं। भाई जस्ट अभी हम मूवी देख के फ्री हुए हैं, तो काफ़ी लंबी मूवी थी लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छी थी। तो अभी तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में। तो अभी हम चलते हैं कुछ खाने चलते हैं, लेकिन हम 10 मिनट से ढूंढ रहे हैं, हमें खाने का कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ संडे है, तो भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं, अभी तो हम बैठे हुए हैं, थोड़ा खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपका मूवी का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बहुत ही बेहतरीन, टू गुड मूवी, और एक्टिंग सुपर, डांस मूव भी अच्छे थे, और जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसका जितना हीट चल रही थी कि अच्छी होगी, तो उस हिसाब से अब तो एक्सपेक्टेशन है। उससे कैसे एक्सपेक्टेशन सर? वो तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई चीज़ आप देख लो, तो वो अगर पहला पार्ट अच्छा होता है तो उससे फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि सेकंड वाला उससे भी अच्छा हो, जैसे बाहुबली का अभी KGF का, तो इसका भी हम देखते हैं शायद ये पुष्पा दारूल अभी जो नेक्स्ट आने वाली है अच्छी रहेगी, इससे बेहतर होनी चाहिए। भाई जैसे ही मैंने ऑटो बुक किया है, तो ऑटो अभी आ रहा है, तो अभी ऑटो वाला तो काफ़ी देर से भी ढूंढ रहा है हमें, वो तो मिल तो रहा नहीं है, तो अभी देखते हैं कितनी देर में आएगा ऑटो वाला भी। भूख काफ़ी लगी हुई है, तो पहले तो हम ऑटो बैठते हैं फिर घर जाते हैं, उसके बाद मेरे से मेरा फ्रेंड है वो भी चलेगा, फिर देखते हैं उसके बाद कुछ खाने को मिलता है तो कुछ खाएंगे, नहीं तो फिर घर जाके सो जाएंगे, और क्या करना है। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे आगे थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, तो जस्ट अभी काफ़ी थक गया हूं, सुबह 11 बजे निकला था, तो जस्ट अभी 6:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें मूवी देखने में और घर आने में। तो कोई बात नहीं, क्योंकि सीपी में तो हमें कुछ खाने को तो मिला नहीं, तो फिर हमें मेरे को घर के पास आके कुछ देखना पड़ा खाने का। तो अभी जस्ट पहुँचा हूँ मैं, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि 7 बजे ऑफिस भी जाना है, तो रेस्ट तो चाहिए ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, गुड बाय।